समय बहुत ज़्यादा हुआ है। आज अखिल भारतीय संत समिति का महाधिवेशन प्रथम सत्र 9 बजे से 12 बजे तक का था और 12 बजे फिर समाचार जगत के लोग संतों का मत जानने के लिए पहुंच गए। उससे और कार्यक्रम आगे बढ़ गया, वहीं से सीधे मैं इस मंच पर आ गया विदाउट लंच। यहीं भगवान का भगवत प्रसाद, जो कथा प्रसाद है, वह आप सब लोगों को बांटने के लिए, भगवान की कथा पाप ताप दोनों को नष्ट करती है। देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत की कथा सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? जब ये कथा का आयोजन हुआ, परीक्षित जी यजमान बने बैठे हैं, सुखदेव जी आ गए, तो देवताओं ने सोचा कि परीक्षित जी घबरा गए, परीक्षित जी घबरा गए हैं, मृत्यु का भय हो गया है, मृत्यु के भय से भयभीत परीक्षित को निर्भय करने के लिए सुखदेव जी भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो जब कथा सुनाने के लिए तैयार हुए श्री सुखदेव जी, परीक्षिते कथाम वक्तुम, परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जब सुखदेव जी तैयार होते हैं, तो देवास्तत्र समागमन, देवता लोग आ गए वहां। और देवताओं ने क्या कहा? देवताओं ने कहा कि राजा परीक्षित को सातवें दिन तक्षक डस लेगा, इस भय से भयभीत होकर के ये कथा सुन रहे हैं। तो कथा हम देवताओं को आप सुना दीजिए, स्वर्ग में आकर के आप कथा का वाचन करें, या हम देवता ही सब आ जाते हैं। जो भी बात हुई हो, भागवत में तो केवल इतना लिखा है महात्म्य प्रसंग में, भागवत में वो भी नहीं है पद्म पुराण का, लेकिन भागवत के महात्म्य के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रकाशन में पहले ये 5-6 अध्याय दे दिए। तो देवताओं ने क्या कहा कि कथा हमें दे दीजिए और सुधा आप ले लीजिए। अमृत कलश लेकर के देवताओं ने कहा कि ये अमृत का कलश आप ले लीजिए, परीक्षित जी को पिला दीजिए। सुधा कुंभम गृहत्वैव देवास्तत्र समागम। अमृत कलश अमृत कुंभ लेकर देवता आए और कहे कि एवं विनिमय जाते सुधाराज्य प्रपीयताम,
सुधा राजा के द्वारा पान की जाए और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हम लोग श्रीमद्भागवत का अमृत पान करेंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, कहाँ राजा भोज, कहाँ भुजवा तेली, कहाँ कांच और कहाँ हीरा, क्व कथा क्व सुधा लोके, क्व काच क्व मणिर्मा, ब्रह्मरा तो विचार्यैवं न ददौ स कथामृतम्। सुखदेव जी ने कहा, ये कथा है, कथा ये व्यापार नहीं है कि ये चीज तुम हमसे ले लो, इसके बदले में कथा हमें दे दो। यह सोच करके सुखदेव जी ने न ददौ स कथामृतम्, कथामृत नहीं दिया, कहा तुम कथामृत के पात्र नहीं हो। कथामृत के पात्र निष्ठा संपन्न, विनम्रता संपन्न आचार्य सन्निधि में हाथ जोड़कर निष्ठा पूर्वक बैठे हुए राजा परीक्षित, ऐसी यह अद्भुत कथा है कि सुखदेव जी ने अमृत नहीं लिया और कथा अमृत दिया भी नहीं देवताओं। यह श्रीमद् भागवत की कथा इतनी महीयसी है, ये भागवतों की कथा है, वैष्णवों की कथा है, वैष्णवों की कथा है, भागवतों की कथा है। भगवान के जो भक्त हैं उनको भागवत कहते हैं, भगवान के भक्तों की कथा है। और उन्हीं भक्तों में राजर्षि भरत हुए। कल हमने बताया था ऋषभदेव जी के 100 पुत्र, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र भरत है, जिनके नाम से इस वर्ष का नाम भारत वर्ष, वो श्री राजर्षि भरत ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे। श्री राजर्षि भरत गंडकी नदी के तट पर पुलह आश्रम में तपस्या कर रहे थे, मध्यान्ह संध्या कर रहे थे। उसी समय कोई हिरणी पानी पीने के लिए आई, किसी शेर की आवाज सुनकर, गर्जना सुनकर घबरा करके उस पार छलांग लगा। उसके गर्भ का बच्चा बाहर आ गया नदी में, थर 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 कांप रहा था। राजर्षि भरत ने उसको उठा करके गले से चिपका लिया। मेरे जब के समय ये आ गया है, इसके प्राण की रक्षा करनी चाहिए। इस बेचारे की माँ मर गई, वो हिरणी उस पार जाते ही मर गई, और इसीलिए और दया आई सुखदेव जी को। मृग का छौना बच्चा छोटा जो था उसको लेकर अपने आश्रम में आ गए, उसका पालन पोषण करके अपने पास ही रखते थे। इतना प्रेम हो गया था इससे कि छोड़ने का मन नहीं कहता था उनका। एक दिन हिरणों के झुंड में वो चला गया,
हिरणों के झुंड में चला गया, तो हिरणों के झुंड में जाने के बाद उसकी याद में ये तड़पने लगी, कहाँ चला गया। आज्ञाकारी शिष्य की तरह मेरे डांटने पर शांत हो जाता था, मेरे भजन करते समय अपनी सींगों से आकर के मेरी पीठ खुजलाता था। उसकी याद करते 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 शरीर त्याग दिया। अंतकाले तु या बुद्धि तां गतिं प्रतिपद्यते। अंतकाले अंतकाले तु या बुद्धि, अंतकाल में जो बुद्धि है, अंतकाले तु या बुद्धि ताम योनिम प्रतिपद्यते। मरते समय व्यक्ति की जैसी बुद्धि होती है वैसी ही योनि को प्राप्त होता है वह व्यक्ति। टिश्यू, मरते समय व्यक्ति की जैसी बुद्धि होती है वैसी योनि मिलती है। अंतकाले तु या बुद्धि, अंतिम समय मृत्यु के समय जैसी विचारधारा होगी वैसी ही आपकी गति होगी। वो मृग बन गए बेचारी, क्या बन गए, मृग बन गए, मृग योनि मिल गई, क्योंकि मृग की याद में उन्होंने प्राणों का परित्याग किया तो मृग बन गए। और परिणाम क्या हुआ, सोचने लगे कि अब मैं झुंड में नहीं रहूंगा, मृग सदैव झुंड में ही रहते, ग्रुप में रहते, समूह में रहते, लेकिन मृग होने पर भी ये झुंड में नहीं रहते थे। मृग होने पर भी ये झुंड में नहीं रहते थे, और सच पूछा जाए तो दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक करके पीती है ना, दूध की जली बिल्ली मट्ठा भी फूंक करके पीती, इसलिए ये बेचारे सोचते थे कि संग दोष के कारण मुझे मृग योनि मिली है तो अब मैं संग करूंगा ही नहीं, झुंड में रहूंगा ही नहीं, इसलिए अकेले अकेले रहते थे। और भगवान की कृपा से पूर्व जन्म की स्मृति थी, वह मृग योनि भी उन्होंने त्याग दी। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। धीरे धीरे 8 वर्ष की अवस्था जब हुई तो यज्ञोपवीत संस्कार पिताजी ने करना प्रारंभ किया। यज्ञोपवीत संस्कार के प्रसंग में जब गायत्री मंत्र का उपदेश करने लगे पिताजी, तो इन्होंने अपने मन में सोचा कि
गायत्री मंत्र का अगर उच्चारण हमने कर दिया तो माया मोह में पिताजी फंसा देंगे हमको। गायत्री मंत्र से माया मोह में फंसने का क्या औचित्य है? बोले ये सोच करके विचार करने लगे कि आज गायत्री मंत्र उच्चारण करवाएंगे और दो चार दिन में सत्यनारायण की कथा का अभ्यास कराएंगे, चार छह महीने में भागवत की कथा का अभ्यास करा देंगे और फिर हमको कृपणों के यहाँ जाकर के, संसारियों के यहाँ जाकर के मनहूस और कंजूस लोगों के बीच में जाकर के कथा सुनानी पड़ेगी। इससे अच्छा यही है कि मूर्ख बन जाओ। मूर्ख बनने का नाटक करने लगे। अब भैया कोई मूर्ख बना बनाया हो तब तो कितना भी समझाओ समझने वाला नहीं है। अब मूर्ख हो तो धीरे 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 समझाते समझाते समझ भी सकता है, लेकिन बना हुआ मूर्ख अगर है, कोई सो रहा हो तब तो जगा देना सरल है, लेकिन जग रहा है और सोने की एक्टिंग कर रहा है तो नगाड़ा बजाओगे सिर के ऊपर तो भी जगने को तैयार नहीं हो। इसलिए गुरु जी ने, पिताजी ही गुरु होते हैं गायत्री मंत्र के, धर्मशास्त्र के अनुसार पिता ही गायत्री मंत्र का उपदेश करता है और पिता ही बच्चे का दसवें दिन नामकरण संस्कार करता है, नाम रखता है। नाम दसवें हन पिता नाम विदध्यात शास्त्र कहता है, दसवें दिन पिता ही पुत्र का नामकरण करे। द्व्यक्षरम दो अक्षर का नाम रखे या चतुरक्षरम चार अक्षर का नाम रखे। कृतम कुर्यात कृदंत प्रत्यय का नाम रखे, तद्धित प्रत्यय का नाम न रखे। ऐसा नाम रखे जो दुश्मन का नाम न हो। ऐसा नाम रखे जो नाम दुश्मन का नाम न हो, समझे? अनरि प्रतिष्ठितम, अरि माने शत्रु, अरव न प्रतिष्ठितम, शत्रु में प्रतिष्ठित नाम न। और दूसरा एक अर्थ और है, अनरि प्रतिष्ठितम का मतलब नरि, नरि माने मनुष्य में प्रतिष्ठित न हो, अनरि, नरि। नरी सप्तमी का एक वचन है, जैसे पितरी मातरी उसी तरह नरी शब्द का न नरो नर रूप चलेगा, उसी में जब सप्तमी विभक्ति करेंगे तो नरी होगा। तो अनरी माने देवता में प्रतिष्ठित हो, भगवान का नाम हो, ऐसा नाम रखे अनरि, अनरि प्रतिष्ठितम मतलब नर में प्रतिष्ठित न होकर देवता में प्रतिष्ठित हो। अनरि प्रतिष्ठितम का एक अर्थ है अरि माने शत्रु, शत्रु में प्रतिष्ठित न होकर शत्रु में प्रतिष्ठित न होकर मित्र में प्रतिष्ठित हो, ऐसा नाम रखना चाहिए। ये शास्त्र है। तो
पिता ही गायत्री मंत्र का उपदेश करता है और पिता ही नाम रखता है। अपने गुरुओं से पूछ करके, बुजुर्गों से पूछ करके, बड़ों से पूछ करके नाम रख लेता है और उसके बाद नामकरण संस्कार के दिन वही नाम उसमें से जो उसको पसंद आता है वो नामकरण कर देता है। यही शास्त्र है। तो पिता ही गायत्री मंत्र का उपदेश भी देता है। पिताजी गायत्री मंत्र का उपदेश देने लगे, बोले कि बोलो बेटा ओम भूर्भुवः स्वः। तभी तो बनावटी मूर्ख थे, इसलिए बोलते हैं भरुम भरुम भ्रम भ्रह, जो भी मन में आवे कुछ बोल देना है। बोले ठीक से बोलो ओम भूर्भुवः स्वः, तो बोलते ओम भ्रम भ्रम भ्रू। बोले हम कुछ बोल रहे हैं तुम कुछ, ठीक से बोलो ओम भूर्भुवः स्वः, तो बोलते हैं ओम भर भर भर। स्वामी जी के शिष्य की घटना हमारे दादा गुरु पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, उनका शिष्य था वो यादव। वो गंगा विष्णु जी जैसे अनन्य भक्त हुए हैं, जिनकी कन्याएं कुंभों में भजन गाती हैं, तो दादा गुरु जी का भगवान का वही कहे दही कहाँ से आ गया। तब उसने कहा कि मन में हम भगवान को दही परोस रहे थे और उसी समय आपने पैना से मार दिया, तो पता नहीं भगवान जाने कहाँ से दही ये प्रकट हो गया। सोचो ये 60-70 साल के बीच की घटना है, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। ऐसे मानसिक पूजन करने वाले भक्त होते हैं। कांवर जाओगे तो पता लग जाएगा, कपिल देव सिंह यह बता देंगे, आत्मा सिंह जी के लड़के रामराज सिंह जी वगैरह, देवराज सिंह वगैरह बता देंगे कि वो यादव जी का क्या नाम था जो मानसिक पूजन कर रहे थे, जिनको पैना मार दिया बाबू साहब ने और दही झरझरा करके गिर गया। और उसके बाद तो बोले कांवर में तो मंदिर है भगवान का। बोले अब हाल मत जो तो आप, अब तो आप मंदिर में रहो, भगवान का भजन करो। ऐसे प्रभावित हो गए बाबू साहब, मानसिक पूजन में लगे रहते, मानसिक चिंतन करते, किसी को पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। दुनिया के देखने में लगेगा कि सोया हुआ है, लेकिन वो सोया नहीं रहता है, वो सोए सोए ही सारे तीर्थों में जा जा करके स्नान करता है। विप्रयाग में नहा रहा है, फिर काशी में नहा रहा है, फिर मथुरा में नहा रहा है, वृंदावन में नहा रहा है, और ध्यान करते हुए सरजू में पहुंच गया, वहां नहाने लगा, हरिद्वार पहुंच गया, गंगा नहाने लगा, रजाई ओढ़े ओढ़े नहा रहा है, मतलब बिस्तर के अंदर मानसिक रूप में स्नान कर रहा है, ध्यान कर रहा है। मन के अंदर चिंतन करना है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। कहाँ ढूंढता राम पगले, कहाँ ढूंढता राम पगले, कहाँ ढूंढता राम पगले, तू ही तेरा राम पगले, तू ही तेरा राम पगले, तू ही तेरा राम पगड़े, तू ही तेरा राम पगड़े, तू ही तेरा राम, मतलब तेरे अंदर ही अंतर्यामी रूप में भगवान विराजमान है। तुम ध्यान करो, इधर उधर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वहां गए फिर वहां गए फिर वहां गए, ऐसे नहीं।
ऐसे मानसिक चिंतन में लगे रहते। अब इनके सौतेले भाइयों ने पिताजी से कहा, पिताजी ये कुछ करते धरते नहीं है, इनको भी कोई काम धाम सौंपो। पिताजी ने कहा ले जाओ खेत में, इससे भी काम करो। ले आए खेत में, बोले इसको मोटा मोटा काम कुछ सौंपा जाए। तो हल जोतते समय हराई नाधते हैं, माने एक गोल दायरा पहले बना लेते हैं और उसी के क्रमशः किनारे किनारे घूमते 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 बीच में आ जाते। तो कुछ ऐसी जगह बचती है जहाँ पूरा हल नहीं घूम पाता तो वहाँ, और जहाँ दूसरा दायरा बनाते हैं उसके बीच में तिकोना छूट जाता है, उसी को कोना। और खेत के चारों कोने तो ये तो कुदाल से खोदने पड़ते हैं, गोड़ने पड़ते हैं। तो सोचे कि यही कोई कोना होना गोड़ने के लिए दे दो, मोटा काम है। अब इन्होंने बीच में दूसरी हराई के बीच वाला पहली पहला कोना आंतर, वो समूह की भाषा है समझे, तो उसी को गोड़ने के लिए दे दिया। अरे बेचारे गोड़ने में क्या है, तो मन अपना भगवाने में लगाए थे, पूजा पाठ मानसिक चिंतन कर रहे थे और कुदाल चला रहे थे। अब वो कुदाल चलाते रहे और मुस्टंड थे, कोई इधर उधर कोई चिंता थी नहीं, करें खेती पड़े न फंद, घर घर नाचे मूसर चंद, न इनको कोई झंझट झगड़ा, न उधोक लेना न माधोक देना, अपनी मस्ती में रहते, नो टेंशन नो बोदरेशन नो डिप्रेशन, इसलिए अपने आप हृष्ट पुष्ट मस्त थे। कुदाल चलाते चलाते कब वहाँ कुआं इतना गड्ढा खोद डाले, भाइयों ने आकर के देखा, कहा ये क्या किया यहाँ खेत के बीच में, कुआं कहाँ से खोद दिया। अब ये तो बेचारे चुपचाप सारे जमाने की मासूमियत चेहरे पर समेटे बेचारे टुकुर 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 देख रहे हैं, ये क्या किया। बोले आप ही ने तो कुदाल दिया था खोदने के लिए, मैं खोदता रहा। बोले अब इसको भरो पाटो। अब वो बेचारे पाटने लगे उसको, कब पट गया ये भी ध्यान नहीं, वहां ढू टीला जैसे ऊंचा हो गया। अब शरीर में शक्ति तो थी कोई, कमजोर तो थे नहीं। फिर आकर के लोग बोले ये क्या किया तुमने, तब तक पिताजी आ गए खेत। पिताजी ने कहा क्या है, बोले ये जो तुम्हारे कमासूत हैं ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको कुदाल सौंपा तो ये काम कर दिया देख लो। बोले अरे कोई मोटा काम समझाना चाहिए। बोले इससे मोटा और क्या काम होगा, इसमें कौन पिंगल शास्त्र पढ़ना था या मैथमेटिक्स का सवाल लगाना था, ये कौन सा काम बड़ा कठिन था। बोले नहीं। बोले जाओ अच्छा मक्का की खेती खूब तगड़ी लगी हुई है, तोते बहुत आते हैं वहाँ, वहीं जाकर के तोता देखो। ये आ गए खेत में, यहीं मस्ती से बैठे अगल बगल वाले खेत वालों के खेत में, जब तोते पहुँचते तो सब टीन जो है टन 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 टीन रखते हैं ना कनस्तर, वो बजा देते। इन्हीं के खेत में सारे तोते आकर के मक्का की बाली खा रहे थे। पिताजी सोचे चले लड़का क्या कर रहा है देखें, यहाँ आकर के देखते हैं सारे के सारे तोते इन्हीं के खेत में। बोले तुमको मना किया था ना, ऐसा नहीं करना है। बोले क्या मना किए थे, आप तो हमको भेजे थे यहाँ। बोले हाँ किस लिए भेजे थे, इसलिए ना भेजे थे कि जा करके तोते देखो खेत में। तो बोले तो हम क्या करें, देख तो रहे हैं और क्या करें। बोले क्या देख रहे हो, बोले तोते देख रहा हूँ और क्या। बोले इनको भगाया नहीं, बोले इनको भगा देते तो देखते क्या आखिर, आपने ही तो कहा था कि तोते देखो जा करके, इसलिए मैं अपना तोते देखता रहा। तो पिताजी बोले बहुत भोला भाला है। बोले ऐसा आप कुछ मत करो, मस्ती में रहो, जो मन कहे करो। बोले ठीक है चलो। अरे चल दिए वहाँ से, यहाँ आए घर द्वार पर तो सोची भामिया ये कहाँ से आ गया, न कुछ करता है न धरता है, कोई काम धंधा है नहीं, आ गया भोजन करने के समय पर। जो बचा खुचा था जो वो भी सब दे दिया, बासी तिवासी था सवेरे वाला भी, कल शाम वाला भी जो बचा था वो भी सब। ये बड़े प्रेम से पा जाते,
जीभ का मन से संबंध होगा तब ना आपको खट्टा मीठा तीता स्वाद लगेगा। जब जीभ का मन से संबंध ही नहीं होगा तो स्वाद क्या लगेगा। तुम्हारी आंखों के सामने से लोग चले जाते हैं और तुम नहीं जान पाते, क्यों? क्योंकि मन तुम्हारा उस समय कहीं दूसरी जगह है। मन भगवान में निरंतर लगा रहता, जीभ के साथ लगे तब न पता चले कि बासी भात दे रही हैं भाभियां, कि और भी बासी का बासी परसों का भात दे रही हैं। मन तो भगवान में रहता था इनका। जो भगवद आराधन करेगा, भगवान में मन रहेगा, ध्यान रहेगा, उसको छक्का पंजा दुनिया का नहीं ना आएगा। और जो छक्के पंजे में ही लगा हुआ है सुबह से लेकर शाम तक, उसके मन में भगवान नहीं है। इसलिए ये अपनी मस्ती में थे, ध्यान करते रहते, भगवान का चिंतन करते रहते, वैष्णव परम वैष्णव। इधर डकैतों का सरदार था, उसको कोई बाल बच्चा नहीं था। किसी तांत्रिक से पूछा, तांत्रिक ने कहा हृष्ट पुष्ट सुंदर किसी व्यक्ति की बलि चढ़ा दीजिए तो वैसे ही पुत्र आपको प्राप्त हो जाएगा हृष्ट पुष्ट। उसने अपने गुरुगों को भेजा पता लगाने के लिए, कोई बढ़िया अच्छा हृष्ट पुष्ट मिले तो उसको ले आओ। ये सब चले तो यहीं पेड़ के नीचे बैठे हुए जड़ भरत जी मिल गए। सुंदर तो थे ही, भगवत आराधन करने वाले, भगवान की पूजा करने वाले, जप करने वाले। वो अपने आप ही सुंदर होने लगते हैं, क्योंकि जैसे देवता का चिंतन करेंगे वैसा ही आपका स्वरूप होने लगेगा। ये शास्त्र का नियम है, तत्कृतुन्याय है मीमांसा, तत्कृतुन्याय। भृंगी कीड़ा होता है ना, भृंगी कीड़ा, वो किसी भी अंडे को ले आता है और भन 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 शुरू करता है और अंडा फूटता है तो भृंगी कीड़ा ही बन जाता है। ध्यान करते करते, चिंतन करते करते, जप करते करते, आपने देखा होगा कितनी अवस्था हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी कितने क्यूट लगते हैं देखने में। क्यों? लोग भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, चिंतन करते हैं। ऐसे वयोवृद्ध लोग जो भगवत चिंतन करने वाले हैं, बुढ़ापे में भी उनका स्वभाव बालकों की तरह हो जाता है। ये तो मन में चिंतन करने वाले थे, वृक्ष के नीचे बैठे थे, डकैतों ने कहा कि चलो, तो ये भी नहीं पूछा कि कहाँ चलें, चल दिए। बोले भाई ये तो अजब तमाशा है, इसने एक बार भी नहीं पूछा कि कहाँ चलें, कम से कम इतना तो पूछना चाहिए था ना कि कहाँ चलें। चलो तो चलो, कहाँ चलें ये भी नहीं पूछा जड़ भरत जी। ले आया यहाँ डकैतों के सरदार ने, दही में बेसन डाल करके, हल्दी डाल करके, नींबू डाल करके और बढ़िया ढंग से रगड़ रगड़ करके स्नान कराया ही। स्नान कराने के बाद दिव्य पीतांबर वस्त्र पहनाया, चंदन लगाया और इत्र वगैरह लगा करके सुगंधित कर दिया। फिर तरह तरह के व्यंजन 56 भोग सामने उपस्थित कर दिया खाने के लिए। ये सोचिए यार, लगता है ये सब हमारा ब्याह करके फंसा देंगे हमको, यहाँ विवाह करने के लिए पकड़ ले आए हैं, क्योंकि इसीलिए इतना श्रृंगार कर रहे हैं, इतना सुंदर दिव्य वस्त्र पहनाए हैं और चंदन वगैरह लगाए हैं और माल खिला ही रहे हैं। अच्छा तो ऐन मौके पर मैं भागूंगा, मुझे तो कुछ करना धरना है नहीं, लफड़े में पड़ना नहीं है, यही सोच करके अपनी तैयारी में थे। और उसी समय डकैतों की सरदार के यहाँ ले आने के लिए तैयार हो गए तो ले आए। बोले ले चलो मंदिर में, भद्रकाली के, भद्रकाली के मंदिर में ले आए, जहाँ
भद्रकाली की मूर्ति थी वहाँ ले आए, वहीं बैठा दिया। तांत्रिक जी ने कहा था अंकन चंटन तंपम, कहते कहते जब फट कहें उसी समय खट से तलवार चला देना इनके ऊपर। वो अभी फट कहे ही नहीं थे तब तक वैष्णव तेज सात दुर्विषहेण दंदह्यमाना सहसो चचाट भद्रकाली। अत्यंत असह्य वैष्णव तेज से जलती हुई भद्रकाली सहसा उच्चचाट, सहसा अकस्मात तत्काल उस जगह से उखड़ गई, छलांग लगा दिया, उत्पपात तो मैंने छलांग लगा दिया। और छलांग लगा करके आकर के वो डकैतों के सरदार का खड्ग छीन लिया और उसी खड्ग से डकैतों के सरदार का सिर काट दिया और काट करके वॉलीबॉल की तरह सिर उछालने लगी। गर्मा गर्म खून पी गई, उष्णम रक्तम पपौ ननर्त च गणैस्सह, और गणों के साथ अपने नाचने लगी। ये क्या हो गया? और जड़ भरत जी कब वहां से चल दिए किसी को कुछ पता ही नहीं चला। वहां से आए मस्ती में बैठे थे, कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। संयोग से सिंधु सौवीर सम्राट रहुगण जा रहे थे, उनकी पालकी में एक कहार बीमार हो गया। बोले कहीं से कहार ले आओ भाई ढूंढ कर। अब वो कहारों का जो माइट काम कराने वाले होते हैं ना, उनका जो बॉस था वो चल दिया खोजने के लिए। आया देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठे बड़े हृष्ट पुष्ट मस्त हैं, चलो अच्छा है, पालकी ढोने में मजबूत रहेंगे। अरे उठिए, उठ गए, चलिए चल दिए। ये भी नहीं पूछा क्यों उठे, ये भी नहीं पूछा क्यों उठे, चल दी। यहां अगर पालकी में जोत दिया तो पालकी भी कंधे पर ढोने लगे, किसकी पालकी है, कौन है, कहाँ जाना है, सब कुछ पूछे नहीं। ऐसे ही इतना दिमाग हो फालतू फंड का समय हो तब ना पूछें, पूछने का समय ही नहीं था। भगवत चिंतन में इतना मगन रहने वाले थे ये, भगवान का ही चिंतन करते, कहीं बोलना पड़ जाएगा तो विघ्न लगने लगता था, इसलिए बोलते ही नहीं थे, केवल भगवान का चिंतन करते रहे। ऐसी स्थिति में वो कहारों का जो सरदार था, पालकी ढोने वाले कहार, ले आया यहां पालकी में लगा दिया। अब ढो रहे थे पालकी और चलते 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 एक चींटी आ गई, चींटी पैर से दब न जाए इसलिए पैर और आगे बढ़ा दिया। अब पैर आगे बढ़ा दिया तो झटका लगा, झटका लगा तो राजा ने कहा रे बूढ़ा रहा साधु बहत है ढोने वाले हो, ठीक से ढो। डकैतों के सरदार के यहाँ से आए थे बेचारे भी माल टाल खा पी करके खूब, और यहाँ कहारों के सरदार ने इनको अपनी पालकी में जोत लिया, रघुगण राजा की पालकी में, और ये जुत भी गए उस। और इतना ही नहीं, रघुगण ने कहा है ढोने वालों ठीक से ढो। तो वो आ गया बेचारा सामने, कहने लगा महाराज एक कहार बीमार हो गया था, आए नया वाला जो आया है पकड़ के लाया हूँ कहीं से, यही सारा का सारा बैलेंस गड़बड़ा दे रहा है,
ये बलवान तो हम लोगों में सबसे ज़्यादा है, लेकिन कभी यों कर देता है, कभी इधर कर देता है। तो अब तो इनको चलना था पैदल। बोले क्यों इस तरह से तूने किया? बोले अरे हम तो खुद ही पालकी ढो रहे थे, हम क्या कुछ करने जाएंगे वहां। हमने क्यों, हमने तो कुछ किया नहीं। बोले नहीं तुमने किया है, लगता है तुम अकेले ही पालकी ढो रहे हो। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, एकाकी नहीं ऊहिवान कहता है। तुम नाति पीवह नाति दृढ़ संघननांक, ना दृढ़ संघननांग, क्षुत पिपासा कुल, भूख प्यास तुमको लगी हुई है। मजाक उड़ाने लगा राजा, करे लगा लगता है अकेले ही तुम पालकी ढो रहे हो और बहुत दिनों से तुमको भोजन नहीं मिला है, तुम बहुत दुबले पतले भी हो। राजा कि इन वचनों को सुनकर के जड़भरत जी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया, फिर पालकी में जुट गए। फिर पालकी में जुट गए राजा रघुगण की पालकी में जुट गए और उसके बाद फिर चींटी की जगह चींटा आ गया तो और लंबा कदम बढ़ाया तो और तगड़ा झटका लगा तो और जोर से गुस्सा आया राजा को। तो कहा लगुड़े न करो मिते चिकित्सा, अब तो लाठी से तेरा इलाज करूंगा। जब ऐसा कहा तब जड़भाई जी ने कहा अच्छा अब तो पानी सिर से ऊपर जा रहा है, तो समझाना पड़ेगा इसको। तब उन्होंने कहा अरे मूर्ख तू समझता नहीं, इन लोगों को तू अपनी पालकी में जोत दिया है और अगले जन्म में तुमको ढोना पड़ेगा इन्हें। ये संसार है, इसमें जैसा जो करता है वैसा उसे भरना पड़ता है। ईश्वर परमेश्वर भी आ जाए तो उसे भी ये फॉलो करना पड़ता है जो कानून है मृत्यु लोक का, क्या समझे, उसको भी पालन करना ही पड़ता है। परमात्मा ही क्यों न हो, वह भी ऐसे ऐसे संविधान है शास्त्रों में हमारे, ऐसे नियम है, ऐसे नियम है, ऐसे संविधान है कि परमात्मा भी अगर मृत्यु लोक में आता है तो उसे भी उन नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। ये ऐसे नियम है, नियमानुसार ये संसार चल रहा है। कैसे नियम है? बोले कर्मानुसार नियम है। कर्म का महत्व क्यों है? बोले ये कर्म ही गुरु ईश्वर, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर, कर्म ही गुरु ईश्वर, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की प्रतिभा, भगवान अकारण करुणा वरुणालय, भगवान का निरंतर चिंतन करने वाले जड़ भरत जी ने देखा कि ये कह रहा है लाठी से तुम्हारा इलाज करूंगा। तब उन्होंने कहा क्या इन लोगों को जोत रखा है पालकी में, सब बदला लेंगे और तुमको भी अपनी पालकी में जोतेंगे अगले जन्म में, समझते नहीं। तब वो बोलने लगा रे लगता है ये छिपे रुस्तम कोई उच्च कोटि के ज्ञानी है, वो बेचारा अपना पालकी का आसन छोड़ करके जमीन में आकर लंबा साष्टांग कर गया। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छे कृत विग्रहाय, नमो वधूत द्विज बंधु लिंगत
निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। मैं आपको नमस्कार करता हूँ पर ब्रह्म परमात्मा निगूढ़ लिंगाय, निगूढ़ लिंगाय लिखते हैं। निगूढ़ लिंग का मतलब अत्यंत गुप्त है, गूढ़ है, चिन्ह जिसका, लिंगार्थ गमकम चिन्हम लिंगमित्त विधीयते, जो विलीन हुआ अर्थ है उसको भी प्रकाशित कर देने वाला वाक्य उच्चारण करना ही सबसे बड़ा काम समझ लेना है। इसलिए वो सब ब्राह्मण, वो जितने भी सब श्री जड़भरत जी का जो स्वरूप है, सभी ब्राह्मण लोगों का उपादेय हो गया। रहुगण और जड़भरत जी का संवाद सब लोगों के जीवन का आज पाथेय बना हुआ है। ये भगवान की कृपा है, भगवत संकल्प है। जड़भरत जी ने कहा, ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? बोले, महाराज पालकी से नीचे उतर आया। जड़भरत जी पहले बोलना शुरू किए, भाई क्या आप हल्ला कर रहे हैं राजा साहब? अरे मैं पतला हूँ, दुबला हूँ, कुछ भी हूँ, जो भी हूँ, न बैतला हूँ, न पतला हूँ, न दुबला हूँ, कुछ नहीं हूँ, न मोटा हूँ। अरे तो क्या हो? बोले, ये सब तो शरीर के धर्म हैं, स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रभयम कलिरिच्छा जराच, ये तो सब शरीर से उत्पन्न है, मेरे नहीं है। तब रहुगण की आंख खुल गई। राजा स्वर्णमंडित दिव्याभूषणों से सुसज्जित रहुगण जी पालकी छोड़कर नीचे जमीन में आके लंबा साष्टांग कर गए वो जड़भरत जी को। महाराज आप कौन हैं? हाथ जोड़कर, कैसी कृपा की आप कौन है? कहीं वो अवधूत तो नहीं है? दत्तात्रेय भगवान को अवधूत के नाम से कहा गया है भागवत में, कहीं दत्तात्रेय ही तो नहीं आ गए हैं? ऐसा सोचने लगा राजा और रहुगण, अपने मन में सोचने लगा राजा रहुगण, कहीं दत्तात्रेय जी ही ना आ गए हो हमारे यहाँ। ये बात मन में सोचने लगा। तो राजा के ऐसा सोचने पर जड़भरत जी ने सोचा, लोहा गरम बा, अभी चोट करना ठीक रहेगा। ये सोच करके उन्होंने कहा, क्या कहना है? बोले, कहना क्या है, जैसे चूल्हे में लकड़ी जलाओ, लकड़ी की गर्मी से बटलोई गर्म होगी, बटलोई की गर्मी से भगोने की गर्मी से कुकर की गर्मी से पानी गर्म होगा, पानी की गर्मी से भात गर्म होकर के पक जाएगा, जैसे इसी तरह। अब ये कहते ही जड़भरत जी को लग गया कि आता जाता कुछ नहीं है, खाली लंबी चौड़ी लफाजी मार रहा है, इसलिए डांट करके कहते हैं, अरे मूर्ख, समझ में आती नहीं है बात, खाली लंबी चौड़ी बात करने से होगा? इसलिए रहुगण को जब ऐसा डांटे तो बेचारा रहुगण हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। हाथ जोड़ करके कहता है, हाँ जोड़े जोड़े, उफ, ऐसे महापुरुष के दर्शन का सौभाग्य मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ऐसे संत की करुणा, जड़भरत जी जिससे जीवन सफल हो जाए। जड़भरत जी के सामने वो कहने लगा, बोली, क्या बात है, क्या बात है, कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, कनेक्शन है कि नहीं? ऐसे पूछते हैं ना आदमी, जाते हैं राज कर्मचारी जब कहीं, आपके नाम का कुछ है कि नहीं है,
ये सब पूछते हैं ना, लेकिन यहाँ क्या पूछेगा। यहाँ तो जब पालकी से उतर करके लंबा साष्टांग करके पड़ गया बेचारा रहुगण और हाथ जोड़ करके कहता है प्रभो आप हमारे सौभाग्य से यहां प्राप्त हुए हैं लगता है। आप जनेऊ पहने हुए हैं इसलिए कहीं आप अवधूत तो नहीं हैं, जो दत्तात्रेय जी का एक नाम अवधूत है, इसलिए कहता है कस्तुम निगूढ़श्चर सिद्विजानं विभर्षि सूत्रम कतमो वधूत। कहीं आप जड़ भरत जी तो नहीं है? नहीं, सीधे से सीधे जवाब देते क्या कहते हैं, बोलते हैं कि तू लंबी चौड़ी बातें कर रहा है केवल लघु तापस कर बाघ बिलासा, केवल लंबी चौड़ी बातें कर रहा है, मूर्ख होते हुए विद्वानों की एक्टिंग कर रहा है। अकोविद कोविद बादवादान बदस्यथो नात विदाम वरिष्ठ, अत्यंत अधिक ज्ञान रखने वाले लोगों में तुम श्रेष्ठ तो हो नहीं, और ऐसी एक्टिंग करोगे ऐसा बोलोगे कि लगेगा तुम भी महामहोपाध्याय हो, बहुत बड़े विद्वान हो, पंडित हो तो मूर्ख ऐसे तुम बोल रहे हो। चूल्हा की आग से बर्तन गर्म हुआ, बर्तन में रखा पानी गर्म हुआ, पानी से फिर चावल गर्म हो गया, चावल पक गया, क्या कहते तत्तापत तंडुल गर्भं स्थाल्यग्नितापा पयसोभितापः तत्तापत। ये कहते हैं बटलोई में पानी रखा, उबलने लगा, उसे उबलाए उबलते हुए पानी के प्रभाव से चावल पक गया। ऐसे हाथ जोड़ करके रहुगण खड़ा और ये झड़प लगा रहे, डांट रहे हैं उसको। उपदेश देने के पहले डांटना जरूरी, अगर डांटेंगे नहीं तो उपदेश नहीं हो पाएगा, इसीलिए डांट सह करके उपदेश ग्रहण करने पर उपदेश पक्का रहता है। और एज यूजुअल वे में आ जाए कोई चीज उसका उपदेश पक्का उतना नहीं रहता है, इसलिए हमारे गुरु भाई डांट डांट करके पक्का कर देते हैं तब उपदेश देना शुरू करते हैं, ऐसे उपदेश नहीं देते। उज्जैन वाले स्वामी जी महाराज पहले डांटेंगे, डांटने के बाद, और ऐसे नहीं सभा के बीच में ही लिखा है जितना गुण पुत्र में नहीं उससे ज्यादा पौत्र में आता है। हमारे दादा गुरु त्रिदंडी स्वामी जी ऐसे डांटते थे, मेरा भी कभी कभी जब पारा गर्म होता है तो मैं एकांत नहीं खोजता हूँ कि एकांत मिलेगा तब डांटेंगे, वो सबके सामने ही ये लोग तो झेले हैं खूब, डांट भी आशीर्वाद भी खूब तगड़ा तगड़ा आशीर्वाद कभी कभी मिलता है बड़े भाग्य से। मेरा तो मेरे गुरुदेव ने तो हमको कभी मारा ही नहीं, और दादा गुरु ने भी नहीं कभी मारा हमको, जबकि और सबको बहुत मारे, फेंक करके लाठी मार दिया श्रीकांताचार्य स्वामी को उज्जैन में, वो लाठी चक्रपाणि बाबा को लग गई और उसी में घाव हो गया और उसी में चले गए परमधाम से धार गए, समझ लो बिना शासन के, बिना फटकार के, बिना डांट के उपदेश, जो आचार्य की सन्निधि में डांट फटकार सह लेता है फिर उसको संसार में कहीं भी मुक्की नहीं खानी पड़ती, कहीं मुक्की नहीं खानी पड़ती, कोई अखाड़े में धूल पीठ में नहीं लगा सकता है।
आचार्य की कृपा। यहाँ आचार्य डांट रहे हैं, मूर्ख अकोविद कोविद वादावादाय वदस्यथो नातिमिदं वरिष्ठ न सूरेव हि व्यवहारमेनम तत्वावमर्षेण सह मनन्ति। ऐसे डांट करके कह रहे हैं, जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित को डांटा है, रास्ते में चिथड़े नहीं पड़े हैं कि पहन लेंगे, तुम्हारे यहाँ वॉशिंग मशीन में धोया हुआ, आयरन किया हुआ, प्रेस किया हुआ, स्प्रे से सेंटेड खुशबूदार कपड़ा नहीं मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या रास्ते में चिथड़े नहीं पड़े हैं? लंगोटियाँ तो लगाने हैं, चिथड़े की भी लंगोटी लगा लेंगे। इस तरह डांटते चीराण किम पथि न सन। हमारे संकर्षण स्वामी जी आ रहे हैं, आइए पधारी। यही कह रहे हैं, चीराण किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परिभृत सरितोप्यशुष्यन्। तो रास्ते में चिथड़े नहीं पड़े हैं क्या? जो चिथड़े हम ले लेंगे, पहन लेंगे, लंगोटी लगा लेंगे। तुम्हारे यहाँ हॉट सीट में रखा गर्मा गर्म भोजन नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं? क्या वृक्षों ने भी फल देना बंद कर दिया है?